नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। जेएनयू हिंसा के विरोध में बॉलीवुड सेलेब्स एक साथ खड़े हैं। अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, अनुभव सिन्हा ट्विटर पर और सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सुनील शेट्टी ने भी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर पर हुए हमले को गलत बताया है। हाल ही में उन्होंने न्यूज वेबसाइट स्पॉटबॉय से बात की। यहाँ उन्होंने जेएनयू हिंसा पर कहा, जेएनयू हमला वाकई बहुत भयानक है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हो सकता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं शिक्षा के मंदिर में जाऊँ और वहाँ जाकर बच्चों को मारूँ। ये बहुत ही भयानक है और वो भी मास्क पहनकर। अगर अपने आप को मर्द बोलते हो तो खुलेआम घूमना चाहिए ना। तो जिस भी पार्टी ने ये सब किया है वह ठीक नहीं है। मुझे इसके पीछे की राजनीति नहीं पता, ये सही नहीं है, बस इतना कहता हूँ। हम अपने छात्रों को पीट नहीं सकते। हमें लगातार सोशल मीडिया पर जहर उगलना बंद करना चाहिए। वियतनाम जैसे देश में लोग मुझसे कह रहे थे, तुम्हारा देश नर्क की ओर गुजर रहा है। मतलब दुनिया के सामने हम खुद को इस तरह पेश कर रहे हैं, वो भी तब जब हम कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं। मैं खुद ऐसा सोचता हूँ कि मेरे मुस्लिम भाई जैसे यहाँ रहते हैं वैसे कहीं नहीं रहते होंगे। ऐसे में हम लोगों तक गलत संदेश क्यों पहुँचा रहे हैं? ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा राजनीति हो रही है कि किसी आम इंसान को, मैं खुद को भी आम इंसान मानता हूं, मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून और छात्रों के साथ हुई हिंसा के विरोध में बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया है। फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज हस्तियां खुलकर नागरिकता संशोधन कानून और उसके बाद जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए dlalantalk.com। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। और हमसे जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है दी ललन टॉप के एंड्रॉयड ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।